मंदिर में जाओ, शिव जी का पूजन कर जब वापिस आओ तो शंकर भगवान के मंदिर में जो बाहर नंदी बैठता है उसके कानों में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना उसके कानों में बोलकर आप आ जाइए, आपकी कामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। नंदी के ईश्वर भगवान का स्मरण करिए। अगर 7 बेलपत्र आप शंकर को समर्पित करते हो तो 1 बेलपत्र नंदी भगवान पर भी अवश्य समर्पित करो। नंदीश्वर भगवान शिव को समर्पित, 1 बेलपत्र नंदीकेश्वर की ओर चढ़ते। और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए। और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर 1 बेलपत्र चढ़ाइए। फिर 1 बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीकेश्वर भगवान नंदीकेश्वर का स्मरण कर लेने पर जीव आनंद सुख की अनुभूति करता है, आनंद सुख को पाता है। भगवान नंदीकेश्वर का पूरी दुनिया में केवल एक केदारनाथ ही कैसा है जहां पर ओम कुंड विराजमान है। कौन सा कुंड है वहां पर? ओम। जो बच्चा हकलाता है, तोतला बोलता है या गूंगा होता है, जिसकी वाणी नहीं होती, वो अगर ओम कुंड पर जाकर ओम बोलने का प्रयास करता है तो जितनी देर तक उसके मुंह से गुण की आवाज निकलती है उतनी देर तक ओम कुंड में से पानी का बुलबुला निकलता रहता है। और 7 या 8 बार बोलने से व्यक्ति हकलाना छोड़ देता है, तोतला बोलना छोड़ देता है, उसकी वाणी आ जाती है, वो ओम कुंड केदारनाथ जी में बसता है। कहां बसता है? केदार। जब सीता जी विवाह कर कराई, कौशल्या जी ने कहा जानकी, ए जानकी, हमारे यहां की रीति है घर में बहू पहली बार आती है तो मीठा भोजन बनाती है, जाओ या तो खीर बनाओ या मीठी भात बनाओ या मीठी थुली बनाओ, कुछ बात कुछ भी करो, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, पर मीठा बनाओ, बनाइए, जाओ जाओ जाओ। सीता मैया गई और माता जानकी ने खीर बनाई। क्या बनाइए माता जानकी ने? जम के बोलो जरा, खीर। और सीता जी ने खीर बनाई, कौशल्या के कई सुमित्रा दशरथ जी सबको दे दी, सब खाने के लिए बैठे। अब जैसे ही खीर खाने के लिए बैठे बैठते तुरंत एक तेज हवा का संचार हुआ, बहुत तेज हवा चली, बहुत। और जैसे ही हवा चली एक कचरा दशरथ जी के कटोरे में खीर में जाकर गिर गया, एक इनका एक कचरा दशरथ जी के कटोरे। सीता जी खीर परोसकर इधर से निकल रही थी, उन्हें दशरथ जी के कटोरे में खीर में तिनका देखा, कचरा देखा, तो सीता जी को लगा पहली बार तो मैं अपने ससुर को भोजन करा रही हूँ, पहली बार तो मैं अपने ससुर को भोग लगा रही हूँ, अगर ससुर के कटोरे में कचरा दिखेगा, तिनका दिखेगा, तो ससुर क्या कहेंगे, ये ससुर कहेंगे क्या कि मेरी बहू ने मुझे खाना दिया, भोजन दिया और उसमें भी कचरा दे दिया, और पहली बार तो मैं भोजन दे रही हूँ, करूं क्या। सीता जी रसोई घर में गई और रसोई घर में जाकर माता जानकी ने, माता सीता रसोई घर में पहुंच गई। सीता जी झरोके में से, खिड़की में से जो कटोरे में तिनका पड़ा था खीर के अंदर, माँ जानकी उस तिनके को निगाहों से देखने लगी। ऐसी निगाह से जानकी जी ने देखा, सीता ने देखा कि वो कचरा कटोरे के अंदर ही जलकर भस्म हो गया, वो तिनका कटोरे में ही जल गया। बस तिनका कटोरे में जब जलकर भस्म हुआ, दशरथ जी ने देख ली और दशरथ जी ने देखा, तुरंत दशरथ जी उठकर सीता के पास में गए, तुरंत जानकी जानकी पिताजी आप आए हो, आओ बैठो, पिताजी रसोई घर में आया, मुझे बुलाते मैं आती दौड़कर, आप रसोई घर में क्यों आए पिताजी, कैसे आना हुआ, कैसे आए हो, बोलो। दशरथ जी ने कहा, बहू आज तुझसे कुछ मांगना, पिताजी मुझसे आज तो मैंने पहली बार आपको मीठा भोजन बनाकर खिलाया है, बहू को कुछ देना चाहिए, और आज ससुर मांगने के लिए आए, मेरे ससुर मांगने के लिए आए हैं, राजा दशरथ आज सीता से मांगने के लिए आए हैं, ये क्या, बहू आज मुझे तुझसे कुछ मांगना है, देगी? हाँ पिताजी मांगो, क्या चाहिए? सीता पहले राम की सुगंध खा कि तुझसे जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं, प्रभु पिताजी मैं भले सुगंध न खाऊं पर जो मांगोगे दे दूंगी, बोलो क्या चाहिए, बोलो ससुर जी आपको क्या चाहिए, पिताजी क्या चाहिए,
दशरथ जी बोले वचन तो देना पड़ेगा, पहले वचन दे। वचन देती हूँ पिताजी, ये सीता अपने ससुर दशरथ को आज वचन देती है, जो रसोई घर अन्नपूर्णा में जो आप मंगोगे मैं दूंगी। तो दशरथ जी ने कहा तूने वचन दिया है सीता, तो मुझे आज वचन के रूप में दे दे कि जैसे आज तूने कटोरे में पड़े हुए तिनके को देखा ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देख। वचन दे। सीता जी कहती है मैं वचन देती हूँ कि किसी दुश्मन को भी इस तिनके की तरह नहीं देखूंगी। और चरित्र उठाकर देखो, जब जब रावण आता था सीता एक तिनका उठाकर उस तिनके को देखती थी, रावण को नहीं, तिनके को। इसलिए देखती थी कि सीता जी मन में सोचती थी वो तो ससुर को वचन दिया है कि तिनके को देखा ऐसा किसी को मत देखना, इसलिए इसको देख लूं बहुत है, अगर घूर के देख रही बापड़ा तेरे को छोड़ने वाली नहीं, तिनके को देख, तेरे को तो मैं यूं ही निपटा दूं, एक मिनट नहीं लगे। जब जब रावण आता था सीता तिनके को देखती थी, जब जब रावण आया सीता ने तिनके को देखा, बार बार तिनके को देखा, तो रावण ने 2500 बार माता सीता से पूछा था कि मैं आता हूँ तो तू तिनका क्यों देखती है, पर सीता बोली नहीं क्योंकि मैंने अपने ससुर को वचन दिया है कि किसी जैसा तूने तिनके को देखा ऐसा दुश्मन को भी मत देखना, इसलिए नहीं देख पा रही तेरे को, अगर देख लेती तो राम को तो आने की भी जरूरत नहीं थी, तुझे तो यूं निपटा के चली जाती।